गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सभी को मेरा सलाम, भाइयों को राम राम और सत श्री अकाल। सिलेंडर की प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और रोज़ रोज़ बाहर का खाना खा खा के हमारे बस का नहीं है, थक गए हैं भाई। अब घर में कुछ ना कुछ इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में पता नहीं है माइक्रोवेव में दूध गर्म होता है या नहीं होता, बाकी एक बार हम इसमें दूध गर्म करके देखेंगे और एयर फ्राई में जो है कि हम ब्रेड को सेक के देखेंगे। तो ब्रेड ले लेते हैं। इसमें हम कबाब भी रख देते हैं, बाद में कबाब को दोबारा से काट लेंगे। इसको हमने टाइमर पे लगा दिया। 10 minutes later खुशबू तो आ रही है। अच्छा, ब्रेड तो गर्म हो गया यार, सिक गए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ब्रेड इतने करारे सिके हैं, आवाज सुनो, एक नंबर की, मतलब मैं कह रहा हूँ एक नंबर का टोस्ट हुआ ये। मेरे दिमाग की बत्ती अब जली। मैं कैंपिंग के लिए एक स्टोव भी तो लाया हूँ, मैं उस पर भी तो सारी चीजें कर सकता हूँ। क्या यार, कार खत्म है, कहाँ कहाँ, अच्छा ये मैं तो इसको भूल ही गया, कमा ले यार, कम हो रहे हैं। तो जी ये हम चूल्हा लेके आए थे और ये चूल्हा हमने लिया था मात्र 450 रुपये में। तो एक बार हम इसे यूज़ करके देखेंगे। कबाब तो फिलहाल हमें इसमें ही फ्राई करने थे क्योंकि ये एयर फ्राई में ही फ्राई होते हैं। तो ऐसे ऐसे और ऐसे तैयार हो गया। सिलेंडर लगाते हैं और इस पर दूध गर्म करेंगे। सिलेंडर देख रहे हो कितना बड़ा है, अभी तक आप लोगों ने ऐसा सिलेंडर देखा नहीं हो। इसको लगाना बड़ा इजी सा है, ये चक्कर है, गैस खोला, ओ फुल फ्लेम करो। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा डेंजर है यार, पर नहीं। फ्लो देख रहे हो, एक नंबर का फ्लो है, ऐसे, क्या बात है, अरे वाह। अब हमने कबाब के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, अब बढ़िया तरीके से सिक जाएंगे जी। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं और इसे चलने दो जी। तो दूध हमारा उबलने वाला है और दूध उबलने के बाद हमारी तसल्ली हो जाएगी। देख रहे हो, ये बंद करे, बंद करे, फ्लो देख लो एक बारी और दूध का। इधर हमारा काम हो गया जी, अब चाय बनाएंगे अपने लिए। आज सारी चीज़ें हम इसी चीज़ से करेंगे और कैंपिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें लेके आए वो भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। पहले हमारा थोड़ा पेट पूजा काम हो जाए, उसके बाद फिर दिखाएंगे हम आप। चाय हमारी तैयार हो रही है जी। अगर बेटे मेरे इस पे कॉपीराइट आया, तुमने जो पीछे टीवी चला रखा है, तो बहुत पिटेगा, याद रखियो, पक्की बात। तो बीच में ना साउंड मत चला बेटे, कॉपीराइट आ जाएगा, मुझे ध्यान ना रहे फिर ऐसा ही हो जाए कहीं। तो चाय हमारी उबल रही है। मेरा चाय बनाने का तरीका यह है, थोड़ा सा पानी डाल के, चीनी डाल के उसको उबलने दो और जब इसमें का पानी जो है कि आधा हो जाए, आधे से भी आधा हो जाए, तो इसके अंदर दूध डालना है। दूध डाल देना चाहिए, ये अब इसको उबलने देते हैं। चाय में भी उबाल बढ़िया वाला आने वाला है। और ये देख रहे हो, ये आइटम यार मैं तो कहता हूँ तो ये आइटम हर किसी के घर में भी होना चाहिए जो इमरजेंसी में काम आ सके। हमारे इमरजेंसी में तो काम आ गया, बहुत बढ़िया वाला ये। और इतना सस्ती आइटम है कहीं भी, मतलब और सस्ती आइटम भी है, उसके अलावा कम स्पेस भी लेगा, आप कहीं भी जाके इसको रख सकते हो इजीली। मैं इसको अपने गाड़ी में हमेशा रखूँगा, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम इसे यूज़ तो हम कर पाएंगे। ओ क्या बात है, क्या बात है। तो कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। इस एयर फ्रायर की खासियत यही है, एक बूंद भी ऑयल मत डालो और फ्राई ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हमने ऑयल में किया हो। लो जी, हो गया फ्राइड। ओह एक तो ब्रेड हमारा, चाय हमारी है और ये कबाब हमारे, और खाते हैं इसे हम। अपने मेहनत की चाय में अच्छे लगते हैं। अगर हमारे दिमाग की बत्ती कली जल जाती ना तो शायद हमें रात को ही परेशान नहीं होना पड़ता। ये आ गया हमारा कैम, लाइट चालू करते, लाइट थोड़ा अंधेरा है। और इसको हम ऐसे निकालते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे खोल लेते हैं और इसको ये हटा लेते हैं, अभी ये भी हटा लेते हैं ऐसे। क्यों नहीं बोलोगे?
नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे? नहीं बोलूंगा। हाँ, एक तो मेरे बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, काम कम करता है और यार ये तो काफी स्पेस ले रहा है। ओ चलो, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है, और इसकी रोड निकालते हैं इसके साथ रोड। तो इस तरीके से कैंप तैयार होगा और इसका जो है क्या, ये पॉइंट टू पॉइंट है ना, आपस में जुड़ जाते हैं। अभी दिखा दूंगा, एक इस कोने पे है ऐसे ही, सारे कोनों पे ही जो है कि इसकी रोड फंसती है और ये तैयार हो जाता है। अब इसके ऊपर का रह गया एक कवर, धीरे धीरे खोलो उसको, जीप को खुल गया और ये खुला गेट और यहाँ से भी खुलेगा, खोलो। अटो अटो, ये हमारा हो गया, हमारा टेंट तैयार। बहुत इजी था, हमें लगा शायद मुश्किल हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तीन पर्सनों का होता है लेकिन आराम से आप चार बंदे आराम से लेट सकते हैं, वो भी फैल के आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं ऐसे, एक कोने पे, एक कोने पे, एक कोने पे, इस तरीके से। अच्छा है जी। और ये देखो बेटा भी मेरे इधर लेटा हुआ है। चलो, एक्चुअली में ये जो तैयारी आप देख रहे हो ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है इस टाइम अभी न्यू ईयर का समय है और न्यू ईयर पे क्या है, होटल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं नहीं चाहता से मैं वहाँ पे जाऊँ और फैमिली लेकर, और वहाँ पे जाने के बाद पता लगे मुझे होटल नहीं मिल रहा और मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैं पहले से देख चुका हूँ, पहले से झेल के बैठा हुआ हूँ। जब मैं लास्ट टाइम शिमला गया था तो हमें तो होटल मिल गया था, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जो बेचारे पूरी रात बाहर गाड़ी में ही थे, कईयों की तो गाड़ियों का तेल ख़त्म हो गया, मतलब बहुत बुरी हालत हुई थी, बच्चे रो रहे थे और रात भर मैं बस कैसे बताऊं से उन्होंने गाड़ी को ऑन करके, हीटर ऑन करके थे वो, कई गया। सुबह जब हम उठ के देखे तो भाई साहब गाड़ियां ढकी हुई थी बर्फ़ से और बच्चे बहुत रो रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से सारी तैयारी कर रहा हूँ। अगर हमारे साथ होटल नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी बहुत चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम सर्वाइव कर सकें वहाँ पर, अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो तो। बस यही तैयारी है जी, बाकी कभी बाइक भी हमने ली है, कैंपिंग भी कर सकते हैं हम। एक्चुअली में क्या है, मेरे साथ कोई ढंग का बंदा नहीं मिल रहा, अकेले सोचता हूँ मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ, और मैं तो निकलना चाहता हूँ, एक्चुअली घर वाले नहीं निकलने देते। तो बस यही है जी, बाकी अच्छा लग रहा है, घर में घर और हमारा ये छोटा सा घर। हाँ, जो हम जरूरी चीज़ लेके आए ये है हमारे लिए चेयर, सिंपल सा तरीका है, बहुत ईजी है, तैयार हो गया और ऐसे बैठ जाओ जी, इतना ईजी, मतलब कहीं भी जाओ फेस पे बेटा, कहीं भी जाओ और तैयार हो गए, मतलब चेयर तैयार करो और बैठ जाओ सेकंड में, और उठो ऐसे रखो, ऐसे करो और लेके चल पड़ो, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल ओके, मजबूत भी है। चलो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेके आए जो धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे जी। हम पहाड़ों में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे दिल्ली में इतनी ठंड हो गई है भाई साहब, हमने जो है कि ठंड में अपने आप को पैक कर लिया है, धुंध की वजह से सारी कहानी बिगड़ रही है हमारी। दिल्ली में इतनी धुंध है तो सोचो हमारे साथ पहाड़ों में क्या होगा। इसी उलझन की वजह से जो है कि घर वाले मेरे मना कर रहे हैं से अभी मत जाओ, थोड़ा सा रुक के जाओ। तो हमारे प्लान में ना, मतलब थोड़ा सा जो है कि कहते ना गोल मटोल सी बात हो रही है, घर वाले मना कर रहे हैं पर हम जाना चाहते हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे जाने की। बाकी घर वाले ने अगर मना कर दिया तो शायद हम रुक जाएंगे, बस इतना ही है। और जो भी हमने आपने कैंपिंग का सामान देखा, हम ये सारा जो है कि आज़ाद मार्केट से लेके आए हैं और काफ़ी अच्छा और हमें बेस्ट प्राइस पे मिल गया है, जिनसे मैंने जिस दुकान से लिया था, और उनका नंबर जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से भी नंबर लेकर आप उनसे बात करके एड्रेस वगैरह ले सकते हो और आप वहाँ जाकर ले भी सकते हो और बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। बस इतना ही है जी, इतना सा अपडेट देना था, थोड़ा सा मन उदास सा हो रहा है इसलिए क्योंकि मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ, देखते हैं क्या होता है। और कल हमें निकलना भी है, आज 29 तारीख को, 30 तारीख को हमें निकलना भी था। कितनी भी तैयारी कर लो कुछ ना कुछ अड़चने आ ही जाती हैं।